प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 9, टिकट एल्बम। तो सभी बच्चे ध्यान दें, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते, नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वहाँ लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। उसके बस देखकर लड़के बस देखकर खुश होते। एक बच्चा है राजप्पा, तो उसको आजकल कोई नहीं पूछता है, क्योंकि आजकल सब बच्चे जो नागराजन है तो वह सब उसको ही घेरे रहते हैं, सब उसके आसपास ही रहते हैं। और नागराजन जो है वह बहुत घमंडी हो गया है। और राजप्पा सभी लड़कों से कहता है कि नागराजन बहुत घमंडी हो गया है, क्योंकि वह किसी की बात पर ध्यान नहीं देता, वह मुझे नहीं पूछता। पर लड़के अब राजप्पा की बात पर कोई ध्यान नहीं देता, सब नागराजन के आसपास ही घूमते, क्योंकि उसके मामा ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था जो सभी लड़कों को अच्छी लगती थी। और जब सभी बच्चे छुट्टी के वक्त नागराजन को घेर लेते, उसकी एल्बम देखा करते थे, सब टोलियों में ग्रुप में टोलियों मतलब ग्रुप में खड़े हो जाया करते थे और एक एक करके सब उसकी एल्बम देखा करते थे नागराजन की। लेकिन राजप्पा को अब कोई नहीं पूछता, उससे कोई बातें भी नहीं करता। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। तो कक्षा में लड़के तो देखते ही थे, नागराजन के एल्बम को देखते ही थे, लेकिन लड़कियां भी बड़ी उत्सुकता से बड़े प्यार से उसकी एल्बम देखा करती थी। और लड़कियों में जो पार्वती थी वह सबसे सब लड़कियों में बहुत तेज तर्रार थी, और वहाँ भी नागराजन की एल्बम देखा करती थी सभी लड़कियाँ। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। दो ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, दो पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटाकर अम्मा से तबेना लेकर निकल कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कर्नाटक का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। राजप्पे की एल्बम को पूछने वाला कोई नहीं था, वाकई उसकी शान घट गई थी। और राजप्पा की जो एल्बम थी, सभी लड़के उसकी बड़ी तारीफ किया करते थे। नागराजन की एल्बम नहीं थी, राजप्पा की एल्बम की सभी तारीफ किया करते थे। और जैसी मधुमक्खी भिनभिनाती थी, उसी प्रकार सारे बच्चे राजप्पा की एल्बम को देखने आ जाया करते थे। वह स्कूल से जब घर पहुंचता तो शाम को अपने दोस्त के यहाँ जाया करता था और उन टिकटों को बेचा करता था। तो इस प्रकार वह कई मील पैदल चलकर टिकट एल्बम को दिखाने ले जाया करता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। तो स्कूल भर में पूरे राजप्पा के एल्बम सबसे बड़ा था, और सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा, लेकिन राजप्पा ने मना कर दिया। तो वह सब उसको घमंडी कहने लगे और वह तीखा जवाब सबको दिया करता था। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़े मिलेगा।
थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, पर उसकी एल्बम को अब पूछने वाला कोई नहीं था। कोई बच्चे उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि अब नागराजन का एल्बम जो आ गया था उसके एल्बम में विभिन्न प्रकार की टिकटें चिपकाई रहती थी। इस प्रकार से वह टिकटें जमा किया करता था, और जो उसके मामा ने एल्बम भेजी थी वह बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखने के लिए बच्चे बड़े उत्साहित हुआ करते थे। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप हो रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया, जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान बघा दी। तो बच्चे जो हैं नागराजन के एल्बम से विभिन्न प्रकार की टिकटें जो जमा की करती उसको उतारते थे, उसकी नकल किया करते थे। तो राजप्पा उसे देखकर ईर्ष्या करता था, जलता था कि इसकी एल्बम को कैसे सभी देख रहे हैं, उसकी एल्बम से चित्रों को उतार रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। तो बच्चे उसे चिढ़ाते थे कि तू नागराजन से जलन करता है। इस प्रकार सभी बच्चे राजप्पा से बोल रहे हैं। राजप्पा कहता है कि मेरी एल्बम तो नागराजन के एल्बम से भी बहुत सुंदर है, मैं उसके एल्बम से क्यों जलूँगा। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ कृष्ण ने छेड़ा, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो, कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है 10 रुपये की शर्त, मेरे वाली टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्ण चीख, हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। तो बच्चे बोलने लगे कि भाई हमारे पास भी टिकट है, राजप्पा के लिए बोलने लगे कि हमारे पास भी टिकट है, ऐसी टिकटें हमारे पास है, तेरे पास कहाँ है। मेरे पास तो अलग अलग प्रकार की टिकटें हैं, तेरे पास ये टिकटें कहाँ हैं, मेरे पास देश की टिकट है, तेरे पास तो नहीं है, ऐसी टिकटें तेरे पास है ही नहीं है। तो लड़के इस प्रकार से राजप्पा को चढ़ाने लग गए। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं, सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था, स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था, दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है, अब अपने एल्बम के बारे में किससे बातें करना बेकार है, कोई तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। और टिकटों को इधर उधर से इकट्ठा करना उसे अच्छा नहीं लगा, वह घर जाता था और अपने एल्बम देखा करता था, अपने एल्बम को अपने पास रखा करता था। तो उसने गौर से देखा, उसने देखा वाकई उसकी जो एल्बम है वह किसी काम की नहीं है, जिसमें उसने विभिन्न प्रकार की टिकटें हैं, अलग अलग देश की टिकटें इकट्ठे करके चिपका रखी है, वह एल्बम उसकी अब बेकार हो चुकी है, वह वाकई किसी काम की नहीं है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान रहे सही, नागराजन के साथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। तो उस दिन उसने शाम को तय किया कि वह नागराजन के घर गया। अब उसने कहा इतना अपमान कौन सहे, तो नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा, वह कौन सी टिकट, उसने अपने आप उसने इकट्ठी की थी, मैंने तो इधर इधर से टिकटें इकट्ठी कर विभिन्न देश की अलग अलग देश की टिकटें बड़ी मेहनत से इकट्ठी की है, तब जाके एक एल्बम बनाई। नागराजन को तो ऐसे ही टिकटें मिल गई है, जिससे वह बड़ा घमंडी हो चला है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा, कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, चूंकि वहाँ अक्सर आया जाया करता था तो सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई, तो राजप्पा ने सोचा उसके पास जितनी फालतू टिकटें हैं उनको मैं टरका टरका मतलब उनको चुरा लेता हूँ, और उन टिकट जो अच्छी अच्छी टिकटें हैं उनको उसको
फाड़ के फेंक दूंगा। मैंने तो कितनों को उल्लू बनाया है, कितनी ही चालबाजी से मैंने सबको बेवकूफ़ बनाया है। तो नागराजन क्या चीज़ है, उसको मैं यूं ही बेवकूफ़ बना दूंगा। राजप्पा नागराजन के घर जाता है, वह अक्सर उसके घर आ जाया करता था, तो उसके घर वालों ने भी उसको रोका नहीं, तो वह सीधे नागराजन के कमरे पे जा पहुंचा। और इतनी देर में उसकी बहन जो कामाक्षी थी नागराजन की, वो भी वहाँ आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी की भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। तो इतने में नागराजन की बहन कामाक्षी वहाँ ऊपर उसके कमरे में आती है जहाँ राजप्पा था। वह कहती थी, अरे भैया तो शहर गए हुए हैं। हाँ, तुमने एक बात सुनी है, भैया का जो एल्बम है वह बहुत ही सुंदर है। तो राजप्पा कहता है, सुना है कि उसका एल्बम बहुत बड़ा है। तो वह चिरते हुए बोला, बड़ा है तो क्या हुआ, एल्बम बड़े होने से एल्बम सुंदर थोड़ी हो जाएगी। तो वह उसे देखकर चिढ़ रहा था, नागराजन के एल्बम को देखकर। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे घोंस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। कुछ देर बाद कामाक्षी फिर नीचे चली आई। तो राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, वह उसके एल्बम को ढूंढने लगा, नागराजन के एल्बम को। उसने चाबी को उठाया और वह जो दराज था, दराज की तरफ बढ़ा जहां उसने एल्बम रखी हुई थी। और उसने सीढ़ी की तरफ देखा, कोई नीचे से ऊपर तो नहीं आ रहा था। उसने झट से दराज खोला जहां उसने एल्बम रखी हुई थी, उसकी एल्बम को अपनी कमीज में छिपा लिया, तेजी से अपने घर की ओर भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कहे सुनाई। सुनो, तुमने नागराजन का एल्बम हो गया, हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा, उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। वह एल्बम उसने छिपा दी थी। और रात के 8 बजे थे, अपने घर में अप्पू उसके घर आया और उसने राजप्पा से बोला कि तुमने सुना है कि नागराजन के एल्बम जो है वह चोरी हो गई, कहीं खो गई है। तो राजप्पा ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इतने में अप्पू घर चले गया। राजप्पा ने दरवाजे बंद कर दिए और जो एल्बम थी उसे और कहीं छिपा दिया, कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया, राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। रात में उसने खाना नहीं खाया क्योंकि उसे डर था कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए, तो उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह फिर अप्पू दोबारा राजप्पा के घर आया और उसने राजप्पा से पूछा, कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने उसे पूछा। तो राजप्पा ने सांस जैसे ऊपर की ओर नीचे की ओर रह गई। उसने सोचा कहीं इनको पता चल गया है कि एल्बम मैंने चुराई है। फिर उसने सिर हिला दिया कि मैं गया था। इस प्रकार से राजप्पा ने अप्पू को उत्तर दिया। उसने सिर हिलाया, उसने कहा, वो चाहे कुछ भी सोच ले पर मैं नहीं बताऊंगा। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते दे नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा DSP के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस यह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर, अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। तो अप्पू ने कहा कि जब कामाक्षी नीचे आ गई थी तो वहाँ तुम अकेले बैठे थे। राजप्पा ने उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि इनको शक हो गया है कि कहीं मैंने ही उसकी एल्बम चुराई है। अप्पू बोल रहा है कि कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है,
कि उसकी एल्बम कहीं खो गई है। और उसके पापा तो डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं। उसके पापा अगर एक बार वह सूचना पुलिस को दे दे तो पुलिस तुरंत उस चोर को पकड़ लेगी। तो इतने में ही राजा पाया सुनकर घबराने लगा कि अब तो मेरी चोरी पकड़ी जाने वाली है। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था, राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी, पुलिस राजप्पा बुदबुदाया। अब यह तो भला हुआ कि जो राजप्पा था राजप्पा का भाई उसे ढूंढता वहाँ आया, जो अप्पू था अप्पू का भाई उसको ढूंढता वहाँ आ गया, फिर वो चले गया। और इतने में ही राजप्पा के पापा अपने ऑफिस से ले गए थे, दफ्तर करते ऑफिस, वह अपने ऑफिस से ले गए थे। और उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। अब वह बहुत परेशान होने लगा कि लगता है अब तो मैं पकड़े जाने वाला हूँ, पुलिस अब आने वाली है। और तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। राजप्पा ने कहा, कौन? पुलिस। पुलिस का स्वर उसे सुनाई दिया। अब तो वह बहुत ही डर गया था। भीतर सांकल लगी थी, दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा के तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दें, नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपा कर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। अंदर से हुंडी लगी हुई थी सांकल, यानी अंदर से दरवाज़ा बंद था। तो वह तेज़ी से उस एल्बम को छिपाने के लिए चले गया। उसने सोचा, नहीं नहीं अगर इधर छिपाऊंगा तो अगर पुलिस ने तलाशी ले ली तो मैं पकड़ा जाऊंगा। वह कमीज के नीचे उसने वह एल्बम नीचे लाई तो बाहर का जो दरवाज़ा था वह भी अभी भी उसमें आवाज़ आ रही थी कि दरवाज़ा खोलो। इतने में उसकी मम्मी बोली कि कौन है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? उसकी अम्मी चिल्ला रही थी, कोई बाहर है, ज़रा देख दरवाज़ा खोल। तो उसने सोचा इतनी देर में तो अम्मी खुद ही दरवाज़ा खोलने चली जाएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी, उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा, कितने प्यारे टिगर थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया, नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। तो राजप्पा अपने घर के पीछे की ओर भागा, उसने देखा कि वहाँ अंगीठी जल रही है जिसमें पानी गर्म हो रहा है। तो उसने वहाँ एल्बम अंगीठी में डाल दी, सारी एल्बम जल गई। तभी उसकी अम्मा की आवाज़ आई कि जल्दी से बाहर आ जा, नागराजन तुझसे मिलने आया है। तो नागराजन राजप्पा को मिलता है। तो नागराजन कहता है, यार मेरी एल्बम जो है वो कहीं खो गई है। वह उस समय भी रो रहा था, उसकी आंखों से लग रहा था कि वह शायद घर में भी बहुत रोया होगा, उसकी आंखों से पूरा झलक रहा था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा, वह फक फक कर रो दिया। तो राजप्पा ने पूछा, तुमने कहाँ रखी थी? तो उसने कहा, यार मैंने तो दराज में रखी थी, लेकिन घर आया, शहर से घर आया तो देखा मेरी एल्बम गायब थी, वहाँ तो थी ही नहीं। बाप फिर रोने लगा। तो राजप्पा ने कहा कि रो मत यार। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। एक मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था, उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। तो राजप्पा झट से दौड़कर नीचे गया और उसने फिर जल्दी से वापस आया। नागराजन ने देखा कि उसके हाथ में एक एल्बम है जो उसका अपना एल्बम था राजप्पा का। लो यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार, नागराजन को कैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसे चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था, उसका गला भर आया था। तो राजप्पा बोला, यार रो मत, यहाँ मेरा एल्बम तो रख ले। तो नागराजन को उस पर विश्वास नहीं आ रहा था कि राजप्पा ऐसा कैसे कर सकता है, इसे तो अपनी एल्बम बहुत प्यारी है, यह मुझे कैसे दे सकता है। तो राजप्पा ने कहा, सचमुच कह रहा हूँ, ये तेरे लिए है, तू इसको रख ले। फिर नागराजन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह एल्बम कैसे दे सकता है। राजप्पा अपनी बात को दोहरा रहा था, उसका गला भर आया था कि राजप्पा मुझे अपनी एल्बम दे रहा है। वह अभी भी रोए जा रहा था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए।
क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से, वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। तो नागराजन कहता है ठीक, इसे तू रख ले। राजप्पा कहता है ठीक है, तू इसे रख ले। राजप्पा बोलता है ठीक है, इसे तू रख ले, लेकिन फिर कहता है कि तू क्या करेगा। तो राजा बोलता है मुझे नहीं चाहिए। फिर नागराजन बोलता है कि तुझे तो टिकट इतनी प्यारी है, बड़ी मेहनत से तूने इस टिकट को इकट्ठा किया है, तो एल्बम बहुत प्यारी है। तो राजप्पा कहता है मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको तू रख ले यार। तो वह उसे देता भी है और रोता भी है। तो जब नागराजन उसके एल्बम वापस करता है कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, तेरे एल्बम नहीं चाहिए, ऐसा तू रख ले, तो वह उस पर चीखता है नहीं तू इसको रख ले यार, मुझे नहीं चाहिए। फिर राजप्पा फूट फूट कर रोने लगता है। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया, कमी से आंखें फोसता, और राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं, नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगा कर फूट फूट कर रो दिया। तो राजप्पा ने कहा कि इस एल्बम को तू ही रख ले यार। नागराजन तैयार हो गया और वहाँ फिर अपने घर को चल दिया। उसके साथ राजप्पा उसको छोड़ने दरवाजे तक आया। फिर उसने नागराजन से कहा, यार सुन, आज रात के लिए मेरी एल्बम मुझे दे दे, मैं इसको आज रात अपने साथ रखूँगा, कल सुबह मैं तुझे दे दूँगा। तो नागराजन ने कहा ठीक है। तो नागराजन उसे एल्बम दे देता है। राजप्पा उस एल्बम को ले जाकर अपने कमरे में चले जाता है, दरवाज़ा बंद करते हैं, उस एल्बम को छाती में लगाता है और फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया दो दोस्तों की कहानी थी एल्बम की, जिसमें विभिन्न प्रकार के टिकट लगे हुए थे, किस प्रकार से राजप्पा ने उसकी एल्बम को चुराया था, लेकिन अंत में उसे बड़ा पछतावा हुआ और उसे अपनी एल्बम भी खोनी पड़ी। अपनी एल्बम आखिर में उसको नागराजन को देनी पड़ी, क्योंकि उसने गलत काम किए थे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें।